हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट रिपीट। फ्रेंड्स, आज हम बंगाल की एक बहुत ही फेमस मिठाई बनाएंगे। बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये अक्सर दुर्गा पूजा में बनाई जाती है। बंगाल की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। बंगाल के इस स्वीट डेजर्ट का नाम है खीर और लूची। ये बहुत ही टेस्टी होती है। अक्सर बंगाल में दुर्गा पूजा में ये भोग प्रसाद में चढ़ाई जाती है और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो आज हम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम इसे तैयार करते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें हमने डाला है एक कप मैदा, जो कि ग्राम में 200 ग्राम है। एक बड़ा चम्मच लिया है देसी घी। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और अब हम इस सामान को सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही अलग है, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसे हमें बहुत हार्ड नहीं रखना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर डो तैयार हो गया है और उसे एक मिनट तक हमने स्मूथ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ऑयल से बिल्कुल चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे ताकि ये जब हम रखेंगे तो ड्राई नहीं होगा। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और अपनी लूची खीर बनाने के लिए हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और बाउल लिया है और उसमें लिया है 100 ग्राम मावा। ये आधा कप है अगर कप से नापते हैं और घर का बना हुआ मावा है खोया। आधा कप लिया है हमने डेसिकेटेड कोकोनट और साथ ही अब हमने डाली इसमें पाउडर शुगर 1.5 बड़े चम्मच, 1.5 चम्मच। और अब हमने इसमें डाला है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे, आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने कुछ काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश इसमें ऐड किए हैं और एक चम्मच दूध डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी लूची जो हम बनाएंगे उसकी स्टफिंग है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो खोया है मैंने घर पर ही बनाया है, आप इस खोए का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा नमक डालना भूल गई हूँ, तो हमने एक चुटकी नमक भी इसमें ऐड किया है। तो अब हम सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बंगाल की एक फेमस खीर लूची जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक है। तो अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गई हैं, वो सेट भी हो गया है। तो अब इसे एक बार स्मूथ कर लेंगे और अब हम इसे इसकी लोइयां काट लेंगे। इस तरह से हाथ में लेकर इसको रोल कर लें और साथ में छोटी छोटी नींबू के आकार के पेड़े हम इसमें से निकाल लेंगे और इन पेड़ों को हम स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो जब हमें ये सभी पेड़े तैयार कर लिए हैं तो हम एक चकला लेंगे और उसके ऊपर इस शीट को बेल लेंगे। तो ये हमारी जो स्टफिंग थी लूची बनाने के लिए वो भी तैयार हो गई है। अब हम इसको जो बेल रहे हैं, हमें ध्यान रखना है इसको हमें किनारों से बेलना है। जो बीच का पोर्शन है बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हमें इसे साइज में नहीं रखना है। जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी लूची को तैयार करना है। तो अब हम स्टफिंग को अच्छे से इसके अंदर फिल कर देंगे और अंदर की तरफ इसे प्रेस करते हुए सील कर देंगे। देखिए, इस तरह से हाथ से उसे इकट्ठा करके बिल्कुल आपस में टाइट से चिपका दें, बिल्कुल सील कर दें ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं। और इस तरह से हाथ से इसको प्रेस करके सारी लोइयां, सारे पेड़े इस तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब हम इनकी लूची तैयार करते हैं बेलकर। तो जब हम बेल रहे हैं बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इस तरह से आप उसे बहुत हल्के हल्के हाथ से बेलें, किनारों से ही आप उसको बेलें, बीच से ज़्यादा प्रेशर ना डालें इसे बेलने में। तो इसी तरह से हम सभी लूची को तैयार कर लेंगे। तो आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। देखिए इस तरह, फिंगर टिप से लेकर आप थंब से
इस तरह हाथ से हल्का सा प्रेशर देकर गोल गोल घुमाएं उसे और हाथ से हल्का सा उसे प्रेशर देंगे तो आपकी जो लूची है पूरी वो तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम हाथ से भी फैलाकर इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमने बेलन से बनाई थी और ये हमने हाथ से फैलाई थी। तो अब हम इन्हें ढककर रख देंगे एक गीले कपड़े से, बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। और अब हमने तेल भी गर्म होने रख दिया है, घी को गर्म होने रख दिया है और मीडियम हीट पर हम अपनी लूची फ्राई कर लेंगे। तो एक एक डालकर हम इसे फ्राई करें, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 एक बारी में आप फ्राई कर सकते हैं। और जब ये हल्का सा फूल जाएंगी, नीचे से हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इन्हें पलट लेंगे। तो जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती हैं तब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें पलट लें हल्का हल्का सा जब ये फूल गई हैं। तो अब जब तक ये गोल्डन कलर में आती हैं तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी लूची पूरी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज्यादा गोल्डन भी नहीं करना है हमें, बहुत लाइट गोल्डन कलर आने पर ही हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने अच्छे से गोल्डन कलर में फ्राई हो गई हैं और एक जाली पर हम इन्हें इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम सभी को एक प्लेट में निकाल लें और सभी लूची हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी जो लूची है वो तैयार हो गई है और अब हमें इसके लिए खीर बनानी है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है मिल्क, जो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क लिया है वो लिया है 4 कप, यानी कि अगर आप देखते हैं तो 1 लीटर दूध यहाँ पर लिया है। और उसको हम पहले बॉयल कर लेंगे और करीब आधा होने तक 4 कप दूध को हम 2 कप तक इसे पकाएंगे और हम इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए, या फिर जब इसके ऊपर मलाई आएगी जो वो दूध में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और हमें इसे इतना पका लेना है कि ये आधा रह जाए क्वांटिटी में। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। तो देखिए दूध को मैंने इतना पका लिया है कि इस समय इसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है, तो आप देख रहे होंगे। और इसे लगातार चलाते रहें, जो किनारे पर मलाई आ जाती है हम उसको भी छुटाकर दूध में ही मिक्स कर लेंगे। तो इससे जो हमारी खीर है लूची के लिए वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल रबड़ीदार। हमें इतना भी नहीं पकाना है कि बहुत गाढ़ी रबड़ी बन जाए, या हमें इसको बहुत लिक्विडी भी नहीं रखना है। तो जब अच्छे से पक गया है, देखिए इस समय क्वांटिटी में हाफ रह गया है, तब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप पाउडर शुगर। चीनी को पीस लिया है पहले मैंने, और अब हम डालेंगे 1/4 कप इसमें मिल्क पाउडर, जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो आप त्योहारों के मौसम में आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो हमने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है और इसे इस समय पर हम लगातार चलाएंगे मीडियम हीट पर, क्योंकि चीनी जो हमने डाली थी थोड़ा पानी छोड़ती है, तो हम इसे 2-3 मिनट अभी और पकाएंगे। अब हमने डाली है यहाँ पर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अपनी पसंद से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता तीनों डाले हैं काट कर। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसको करीब 3 से 4 मिनट और पका लिया है और अभी 1-2 मिनट हम इसे और पका लेंगे, ताकि जो चीनी का पानी था ना वो पूरी तरह इस समय पर बिल्कुल घुल जाएगा, बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा और ये काफी अच्छे से थिक हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है इसको बहुत गाढ़ी रबड़ी भी नहीं बनाना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखना है, बहुत गाढ़ा इसको नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अब हमने जो लूची तैयार की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे इस समय पर। तो अपनी सभी लूची को हम इस खीर में डाल देंगे और अच्छे से डिप कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे और देखिए जो हमारी खीर तैयार हुई है उसको हम इस तरह से लूची के ऊपर हल्का हल्का डालेंगे, ताकि जो इसकी मिठास है वो इसके अंदर भी आ जाए। जो हमारी खीर है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ये डिप हो जाएंगी। देखिए सब पर इसी तरह से डालें और 2 मिनट तक ही हमें इसे पकाना है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज तो हमारी लूची बिल्कुल सील जाएंगी, बिल्कुल
ऐसी सोगी सोगी हो जाएंगी, क्रिस्प नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर अब मैंने गैस का फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार लिया है, तो आप इसे गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ के प्रसाद में ये स्पेशली बंगाल में बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत फेमस रेसिपी है बंगाल की। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करना तो वैसे बिल्कुल ही फ्री है, तो आप इसे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सर्व करने को बता रही हूँ। इस तरह से हम एक प्लेट में लूची रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी घी डालेंगे, और आप देखिए कितना टेस्टी यमी आ रहा है ना मुँह में पानी इसको देखते ही। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, और अक्सर दशहरे के मौके पर दुर्गा पूजा पे मैं जरूर बनाती हूँ इसको, क्योंकि ये सभी को घर में बहुत पसंद आती है। तो चलिए, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।